देश और यूनिटी दोनों प्लीज टीम के पर आ चुके हैं। आप एक से डेढ़ मिनट में लाइनअप हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कप्तान यहाँ पर है। एक नया सा टीम है, इसलिए हम 130 तक पहुंच गए। और हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स फैमिली को फोन कर लीजिए। और आसिफ भाई, जेएलएस की सोच यही होगी अभी मेहमानों के लिए भी एक अच्छा फाइनल मुकाबला। और खेल निकल पड़ी, एक सिंगल रन यहां मिलेगा। दौड़ बॉल, अब दौड़ गेंदे, इसने दो गेंदे चार रन क्षमता रखते, देखना होगा। दिशा इनके नाम पे एक बार फिर मुझे तो पर्सनल ऐसा प्रतीत हुआ कि दर्शक जो थे ना डीएलएस के, उन्होंने वो गेम वापस ला के उनके झोली में डाल दिया। रेड टीम को मिलता है 1,00,000 रुपया, ये कम नहीं है। तालियां बजाएं, 50 नहीं 1,00,000 रुपए का चेक रनर अप को जो हारे हैं, लेकिन 1,00,000 लेके जाने बड़े खुशकिस्मत है। तालियां बजाएं। कारगिल से आ रखा था इसलिए अननोन टीम से इसलिए थोड़ा बॉलर को रीड नहीं किया, तो हमारे कॉलेज हुआ था बीच में, अच्छा पार्टनरशिप चल रहा था, लेकिन इसके बाद क्राउड की थोड़ा प्रेशर था इसलिए थोड़ा खुले था। उसमें मोमेंटम उनको मिल गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, इसके बाद उन्होंने अपना मोमेंटम खोया नहीं और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत अच्छे मिले। फीलिंग बहुत ज़्यादा खुश है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैच कैसा रहा? मैच का जहाँ तक रहा, मैच तो एक अच्छा फाइटिंग मैच हो गया। देखिए यहाँ के हम पहली बार खेल रहे थे, तो फिर एक नई टीम, नए माहौल में, एक नई पिच में जाके खेलना था, तो फिर ऐसी जगह में जाके परफॉर्म करना हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन अपोनेंट ने बहुत अच्छी गेम खेली और लास्ट में हमें अपना एक्सपीरियंस और हमें अपना एक्सपीरियंस काम आया, इसी को हम गेम जीत गए। तो लद्दाख में इस तरह की इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होना और बड़ी प्राइज मनी के साथ कैसे रहेगा? हम लद्दाख पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बार ऐसा ओकेजन मिल रहा है कि हमें यहाँ के परफॉर्म करना पड़ रहा है, ऐसे इससे पहले ऐसे इवेंट्स हुए नहीं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं लद्दाख पुलिस का, जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक यूथ को सामने आने का, लद्दाख के टैलेंट को सामने आने का मौका दिया और बहुत ज़्यादा मजा आया खेल को। जहाँ तक प्रयास मानी की बात, मनी डजेंट मैटर, यहाँ के परफॉर्म करना और जीत के जाना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी विनय है। और इसके साथ इसके पीछे मकसद कुछ और भी था कि मैट्रिक्स का नमन करना और यूथ को एक पॉजिटिव थिंकिंग में लाना, इसके बारे में ये अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने पहले कहा है लद्दाख पुलिस का, देखो ये तो जहाँ तक रहे हमारा आजकल ये यूथ जो ड्रग्स में एडिक्शन होते हैं और भी दूसरे कामों में मुलव्वज़ होते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है यूथ को सपोर्ट्स की तरह अट्रैक्ट होना। तो फिर जहाँ तक रहे शहीदों को हम हंसते दिल से याद करते हो, तो उन सारे शहीदों के नाम पर पहले भी टूर्नामेंट चलते आ रहे थे, लेकिन इस लेवल पर नहीं आ रहे थे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हम लद्दाख पुलिस का, जो इस लेवल पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वी स्टार्टेड द लद्दाख पुलिस मार्टियर्स क्रिकेट टूर्नामेंट ऑन 21st ऑफ अक्टूबर। तो 21st ऑफ अक्टूबर से जो हमने सिलसिला शुरू किया,
पहले तो सब डिविजन लेवल मैचेस, उसके बाद फिर सेमीफाइनल, देन डिस्ट्रिक्ट फाइनल मैचेस, और दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में सेम फॉर्मेट में मैचेस हुए 21 अक्टूबर से लेकर अब तक। एंड जो फाइनल टीम्स रही दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की, आज उनका यूटी लेवल पे हमने फाइनल मैच ऑर्गेनाइज किया। एंड आई थिंक द काइंड ऑफ रिसेप्शन वी गॉट फ्रॉम द क्राउड, फ्रॉम द टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स एंड द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स इज वेरी ओवरवेलमिंग। एंड वी थिंक दैट दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स विल बी कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। Participation at sub divisional level, how is it and what is the have you achieved your aim, engaging youth and with a positive note? जब हम ये टूर्नामेंट शुरू कर रहे थे, हम पहले ये देख रहे थे कि मोस्ट ऑफ द टीम्स जो थी वो ले बेस्ड थी, तो हमारी ये पहले कोशिश रही कि जो सब डिवीजन लेवल पे हम मैचेस करेंगे उसमें बॉर्डर एरियाज़ के भी लोग पार्टिसिपेट करें, वो अपनी टीम बनाए और सब डिवीजन लेवल्स पे खेले। सो जो हमारा मेन एम था टू रीच आउट टू मैक्सिमम यूथ, वो सफल, आई वुड से इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन दिस टूर्नामेंट बोथ फॉर डिस्ट्रिक्ट ले एंड डिस्ट्रिक्ट करगिल एज वेल। बिकॉज आप देख रहे होंगे कि फाइनल में जो दो टीम्स आई दोनों डिस्ट्रिक्ट की, एक थी नूबरा से और एक थी द्रास से, सो जो दोनों ही मेन टाउन की टीम्स नहीं थी बट बॉर्डर एरियाज़ की टीम है। तो हम सोचते हैं कि दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स विल बी कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, कि मैक्सिमम यूथ का जो पार्टिसिपेशन हो और भी नई टीम्स बने और भी नए लोग इंस्पायर हों कि दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट अगर हर साल ही होता रहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आके पार्टिसिपेट करें। हमारा मैसेज यही है कि स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू गेट इंडल्ज्ड, जब आपके पास कोई काम नहीं हो करने के लिए, ये अदर देन योर फिजिकल फिटनेस इट डेवलप्स योर कैरेक्टर ऑल्सो, इट डेवलप्स अ स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट ऑल्सो। तो इससे हमारे दो मकसद पूरे होते हैं, एक कि पुलिस का इंगेजमेंट यूथ के साथ कंटिन्यूसली बना रहे, दूसरा ड्रग्स के अभाव से, ड्रग एब्यूज से ये दूर रहे, और जो भी एक कनेक्ट है यूथ और पुलिस के बीच में वो स्पोर्ट्स के थ्रू एस्टैब्लिश हो। लद्दाख पुलिस विल ऑलवेज सपोर्ट द स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, बट इस वक्त और आगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम करेंगे उसके बारे में हम प्लान करके फिर आगे बताएंगे। मकामी, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।